ओके चलिए, तो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने ब्राउजर में एड्रेस बार में टाइप करिए business.facebook.com। अगर आप फेसबुक में लॉग इन नहीं होंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ फेसबुक के। तो ये मेरा फेसबुक का लॉग इन है, लॉग इन क्लिक करता हूँ, वो पेज मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट बिजनेस अकाउंट, ठीक है, मैं ये बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा बिजनेस अकाउंट नेम। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेमो बिजनेस अकाउंट, मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ये बिजनेस ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस अकाउंट रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगा फेसबुक के साथ, वेरिफिकेशन से लेकर कुछ भी, तो इसी ईमेल आईडी पर होगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से क्रिएट बटन क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे बहुत सारे पेजेस हैं इसलिए मुझे पूछ रहा, फेसबुक मुझे पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस अकाउंट के साथ क्लेम, आई मीन मैप करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं ये अकाउंट है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ नेक्स्ट बटन क्लिक करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये पर्टिकुलर स्टेप को मैं स्किप भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ से पेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे बिजनेस एडमिन हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं पर्सन को ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉई है, तो आप अगर यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। या तो ये पर्सन को आप ऐड कर सकते हो एज अ बिजनेस एडमिन या एज एन एम्प्लॉई। तो अगर आप बिजनेस एडमिन के तौर पे अगर आप किसी को ऐड करोगे तो ये इंसान के पास फुल कंट्रोल आ जाएगा आपके बिजनेस अकाउंट का। बट अगर आप किसी स्टाफ को असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉई ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, और एम्प्लॉयज के तौर पे अगर आपने किसी पर्सन को ऐड किया है तो नेचुरली वो उसके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ, एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन, अगर आप ये बाद में सेट करना चाहते हो तो अभी के लिए ये स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया है और यहाँ से मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कंफर्मेशन पूछेगा कि ये बिजनेस अकाउंट मेरे ये पेज के साथ मैप हुआ है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? ओके, एक्सेस किन के पास है? तो मेन ईमेल आईडी जो मैंने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते वक्त मैंने मेंशन किया था, tejaspersonalemails@gmail.com, अगर आपको याद है तो ये वाला ईमेल आईडी मैंने ऐड किया था जो कि बिजनेस एडमिन है। और ये मैंने नया वाला प्रीवियस स्टेप में ये नया वाला ईमेल आईडी डाला था जिसको मैंने एम्प्लॉई के तौर पर असाइन किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर नीचे ये कहते हैं फेसबुक कि यू कैन एडिट दिस अकाउंट डिटेल्स लेटर, एड और रिमूव बिजनेस असेट्स एंड पीपल एक्सेस इन द बिजनेस सेटिंग्स। तो आप बिजनेस सेटिंग्स में जाके बाद में ये सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा जो है बिजनेस अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलिए अब हम जैसे हमारे ये नए न्यूली क्रिएटेड बिजनेस अकाउंट के डैशबोर्ड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सेटअप गाइड है, बिजनेस असेट्स, पीपल अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एड पार्टनरशिप्स और रिक्वेस्ट एंड बिजनेस सेटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ या फिर यहाँ से भी मैं बिजनेस सेटिंग्स पर जा सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब बिजनेस सेटिंग्स पर जब मैं क्लिक करूंगा तो नए टैब में मेरे ब्राउजर में बिजनेस सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है गाइस, नेट नेट थोड़ा मेरा स्लो है, सो काइंडली बेयर विद मी, सॉरी फॉर दैट, बट यस, चलिए देखिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं बिजनेस सेटिंग्स में, तो देखिए एडिट का ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कि हम बिजनेस डिटेल्स जो है वो एडिट कर सकते हैं, चेंजेस ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप, हमने बिजनेस का लीगल नेम नहीं डाला है, एड्रेस नहीं डाला है, फोन नंबर, वेबसाइट, टैक्स आईडी वगैरह इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, प्लस अनवेरीफाइड है अभी हमारा स्टेटस। तो क्योंकि हमने अभी तक वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया ही नहीं है, सिंपली हमने अभी के लिए क्या किया है, बिजनेस अकाउंट एक क्रिएट किया हुआ है बिजनेस अकाउंट में, और ये आपका न्यूली क्रिएटेड बिजनेस मैनेजर का आईडी है, दिस इज द बिजनेस मैनेजर आईडी। ठीक है, और अगर मैं यहां से एडिट बटन पर क्लिक करता हूं, ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने एडिट बटन क्लिक किया तो यहाँ पे ये इंटरफेस, ये पॉपअप ओपन हो गया जिसमें कि मैं सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके सेव कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई विल बी परमानेंटली डिलीटिंग दिस अकाउंट, क्योंकि ये जस्ट ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग के डेमो पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड पर थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो यूजर का अकाउंट है, यूजर का टैब है जिसमें कि आप अगर यूजर को आप क्लिक करोगे तो एक्सपेंड होगा, इसमें आपको तीन और ऑप्शन दिखाई देंगे, पीपल। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो सेटअप के दौरान हमने
जो एक एम्प्लॉई का जो हमने क्या कहते हैं यूजर ऐड किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनवाइटेड, बिकॉज ये इनविटेशन फेसबुक ये वाले ईमेल आईडी पर भेजेगा। अगर मैं वहां से एक्सेप्ट करूंगा तो फिर मेरा स्टेटस यहाँ पर इनवाइटेड की जगह पर एक्टिव हो जाएगा। एज सिंपल एज ये तीन डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं व्यू डिटेल कर सकता हूँ, एड एसेट कर सकता हूँ, रीसेंट इनविटेशन कर सकता हूँ या कैंसिल इनवाइट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने बाद में मंथ चेंज कर दिया, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एडमिन है, फुल कंट्रोल है एडमिन के पास। तो यहाँ पर अगर तीन डॉट आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। व्यू डिटेल एड एसेट है, ठीक है, एडिट इन्फो है, एडिट बिजनेस अकाउंट परमिशन एंड रिमूव, मैं परमानेंटली रिमूव भी कर सकता हूँ। खैर अभी फिलहाल हम कुछ नहीं इसमें करेंगे। पार्टनर्स, तो यहाँ पर है कि आप अगर आपने किसी एजेंसी को टाइप किया हुआ है आपकी एड्स वगैरह रन करने के लिए, आपका पेज मैनेज करने के लिए, तो आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टम यूजर्स। तो सिस्टम यूजर्स आर मैनेज योर सिस्टम यूजर्स फ्रॉम हियर। अब यहां पर खैर बिल्कुल किसी को भी हमने सिस्टम यूजर के तौर पर ऐड नहीं किया है, तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ऑल द सिस्टम यूजर्स फॉर योर बिजनेस विल बी लिस्टेड हियर, क्लिक ऑन एनी सिस्टम यूजर टू सी द एंड मैनेज द असाइन एप्स एंड ऑल। तो अगर हमने यहाँ पे कोई सिस्टम यूजर ऐड किया होता तो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देते हैं, और फिर उस सिस्टम यूजर पर अगर हम क्लिक करते तो हमें उस सिस्टम यूजर के रिलेटेड जो भी असेट्स असाइन किए हैं या एप्स असाइन किया है वो सारी डिटेल हमें यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट्स में ये है कि यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पेजेस और एड अकाउंट्स। अगर आप पेड एड्स रन करते हैं तो यहाँ से आप एड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल है नहीं हमारे पास कोई भी एड अकाउंट, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, या एग्जिस्टिंग अगर हमारे पास कोई एड अकाउंट है तो उसे एक्सेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पहले पेजेस पर आ जाते हैं। अब पेजेस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं पेजेस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे आपको बताया कि ये हैबिट टूर प्लानर का जो पेज है वो हमने ऑलरेडी मैप किया हुआ है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ से इस पेज को ये पर्टिकुलर अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, नया पेज यहाँ पे अगर ऐसे कोई पेजेस हैं जो कि हम ऑलरेडी मैनेज करते हैं जिसे मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली बिजनेस अकाउंट इज अ प्लेस जहां पर हम मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल यूजर्स, सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम और कोई बिजनेस पेजेस हम ओन करते हैं या मैनेज करते हैं तो यहां से हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस एसेट्स ग्रुप, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये सारी चीजें आप वन बाय वन देख सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेन पर्पज ये वीडियो क्या यही था कि एक बिजनेस अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस आईडी जो है वो हम कहां से हमें मिल सकता है। तो ठीक है, अगर आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है या कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो जस्ट कमेंट में लिखिए। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।